भारतीय संस्कृति के पतन का बड़ा कारण क्या है? किसी भी संस्कृति का पतन करना हो या नाश करना हो तो सबसे पहले उसका इतिहास गायब कर दो और फिर उनकी श्रद्धा खत्म कर दो। हम यदि गौर करेंगे तो पता चलेगा कि समय के साथ साथ पुस्तकें सस्ती होती गई और बीच रास्तों में बिकने लगी जैसे कोई कचरे का ढेर हो, और दूसरी तरफ जूते और चप्पलों की कीमत इतनी बढ़ गई जैसे कोई हमारे सर का ताज हो। यहीं से हमारी ब्रेन वॉशिंग शुरू हुई। ज्यादातर लोगों के पास आज जूतों की कलेक्शन तो है, लेकिन पुस्तकों की कलेक्शन का कोई अता पता नहीं है। एक चीज समझने जैसी है, पिता घर पर पूजे जाते हैं, नेता अपने क्षेत्र में पूजे जाते हैं, अभिनेता अपने फिल्मों के लिए पूजे जाते हैं, लेकिन ज्ञानी पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं, और ज्ञान देने वाली उन पुस्तकों से हम सभी ने बहुत दूरी बना दी। ज्ञान की हमारे जीवन में वैल्यू कम कर दी गई। धीरे धीरे हम सभी के मन में ये मान्यता डाल दी जा रही है कि जिसके पास ज्ञान हो वो उत्तम व्यक्ति नहीं, बल्कि जो ब्रांडेड चीजें पहनता है वो उत्तम व्यक्ति, उसका स्टेटस ऊंचा। आज की जनरेशन बुद्धि नहीं बल्कि बाहरी दिखावा पहले देखती है। कल कोई अगर हमें पूछे कि आपके पास कितनी पुस्तकें हैं या किस प्रकार की पुस्तकें हैं या पुस्तकें हैं भी या नहीं, तो हम क्या जवाब दे पाएंगे? हमें पुस्तकें छुड़वाकर मोबाइल एडिक्ट बना दिया गया है। पहले के समय में वो बच्चे जो पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं रखते थे, वो बच्चे भी कॉमिक बुक्स तो अवश्य पढ़ते थे। और आज क्या स्थिति है? कॉमिक बुक्स या खिलौने तो बहुत दूर की बात, आज तो जन्म होते ही हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है। पबजी खेल खेल कर बच्चे लोगों की हत्या कर रहे हैं, वो ब्रेन वॉशिंग नहीं है? और आज कोई बच्चा गलती से भी धार्मिक कार्यक्रम में भाग ले ले तो उसे ब्रेन वॉश्ड का टैग दे दिया जाता है, ठप्पा लगा दिया जाता है। पहले हमारे ज्ञान पर वार किया गया, फिर श्रद्धा पर। पहले के समय में बच्चे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते थे, जो माता पिता कहते थे सहज स्वीकार कर लेते थे। कोई कहता कि ये लो फूल भगवान पर चढ़ा दो तो चढ़ा देते थे। आज की जनरेशन का ब्रेन वॉश इस तरह से कर दिया गया है कि वो हर चीज प्रैक्टिकली देखना चाहता है। हर चीज में ये क्यों करना, इससे क्या फायदा होगा, इसके पीछे का साइंस क्या है, इस तरह से प्रश्न करता है। प्रश्न पूछने वाले उस वर्ग से पूछा जाए कि बताओ हुक्का क्यों करते हो, सिगरेट क्यों पीते हो, पबजी क्यों खेलते हो, ये गंदी गंदी ओटीटी मूवीज क्यों देखते हो, इससे क्या फायदा है, इसके पीछे का विज्ञान क्या है बताओ, तो एक भी व्यक्ति जवाब नहीं दे पाएगा। धर्म के विषय में हर चीज का फायदा देखते हैं, लेकिन मौज मस्ती में, एडिक्शंस में, मन तो क्या शरीर का भी फायदा नहीं देखते हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है। आज बच्चों से आप पूछना कि बेटा आप हुक्का नहीं करते क्या, वो व्यक्ति हुक्का नहीं करता होगा लेकिन गर्व से नहीं कह पाएगा, क्योंकि ऐसी चीजों को हमने स्टेटस सिंबल बना दिया है। हमारा कल्चर, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कार, हमारा विनय विवेक, हमारी ईमानदारी, हमारी नैतिकता, हमारे कर्तव्य, ये एक्चुअली स्टेटस सिंबल हुआ करते थे। और आज सब कुछ बदल चुका है। हमारी श्रद्धा पर इस तरह से प्रश्न खड़े किए गए कि लोग धर्म से दूर भागने लगे। आज एक व्यक्ति हुक्का करता है तो वो ब्रेन वॉशिंग नहीं है, सिगरेट पीता है तो वो ब्रेन वॉशिंग नहीं है, शराब पीता है तो वो ब्रेन वॉशिंग नहीं है, डिस्को पब जाता है तो वो ब्रेन वॉशिंग नहीं है, पबजी खेलकर लोगों की हत्या करने में आ रही है वो ब्रेन वॉशिंग नहीं है, फालतू के टीवी शोज, ओटीटी मूवीज जो गंदगी को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे लड़कियों के शील पर खतरा आ चुका है, वो ब्रेन वॉशिंग नहीं है। और जैसे ही वो मंदिर जाता है, पूजा करता है, भजन कीर्तन करता है, सत्संग करता है, तो वो ब्रेन वॉश्ड हो जाता है। कुल मिलाकर एक तरफ हमारी संस्कृति का इतिहास मिटाया जाने लगा, दूसरी तरफ हमारी श्रद्धा खत्म करने की पूरी कोशिश जारी है। आपको क्या लगता है, हमारी संस्कृति के पतन के और क्या क्या कारण हो सकते हैं? परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिन शासन, जय महावीर।